सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौहान फूडीज। तो आज हम गुड़गांव की गर्मी में भटकते भटकते एक ऐसे भैया की दुकान पे पहुंचे हैं जो पिछले 17 साल से, आप समझ सकते हो 17 साल से ऑमलेट बना रहे हैं, और वो भी एक तरीके के ऑमलेट नहीं, अलग अलग तरीके के ऑमलेट बनाते हैं, अलग अलग तरीके के ये सैंडविच बनाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन्हीं भैया से और उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि पिछले 17 सालों से उनको कैसा अनुभव हो रहा है ये सारे ऑमलेट और सैंडविच बनाते वक्त। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं भैया की दुकान पे। तो हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। तो नाम क्या है आपका? श्याम। अच्छा, श्याम नाम है आपको, और आपकी शॉप का नाम? श्याम क्रीम ऑमलेट के नाम। तो श्याम क्रीम ऑमलेट के नाम से इनकी जो शॉप है वो बहुत फेमस है पूरे गुड़गांव में। तो आप, हमने सुना है आप बहुत अलग अलग तरीके के ऑमलेट्स बनाते हैं। हाँ, बहुत क्रीमी ऑमलेट जो सभी को पसंद आते हैं। हाँ जी, बनाता। तो आप, ये काम है जो आपका ऑमलेट बनाने का, कितने साल से कर रहे हो? ये मैं 17 साल से कर रहा हूँ। 17 साल से, मतलब कि अगर हम कैलकुलेशन करें 2004 से ये गुड़गांव में आके ये काम कर रहे हैं, और आप स्टार्टिंग से यही थे? हाँ जी, स्टार्टिंग से आपने इसी जगह पे, मतलब यही थे। ओके, तो आपको ये आइडिया वगैरह कैसे आया कि भाई ऑमलेट बनाना चालू करते हैं जो लोगों को पसंद आए? ये ऑटोमेटिक अपने बना के खाते गए, अपनी देख चेक करते गए, उसके बाद अच्छा लगा। मैं बोला मेरे को जब अच्छा लगा तो कस्टमर को भी अच्छा लगेंगे। तो देख रहे हो गाइस, तो जो भैया को पसंद आया है ना, भैया ने आपको वही खिलाया है। हाँ, जो भैया को बेस्ट लगा है। और लोग बहुत आते होंगे, आपने आपने देखा होगा कि भीड़ भीड़ होती है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आज आप हमारे लिए क्या बना रहे हो? आप जो कहोगे वो बनाएंगे, आपकी पसंद हमारी पसंद तो ठीक है। तो आपके यहाँ जो फेमस हो ना, आप हमारे लिए वो बनाओ। क्या क्या फेमस है? हमारे क्रीम ऑमलेट और क्रीम सैंडविच जो है। अच्छा, क्रीम ऑमलेट और क्रीम सैंडविच भैया के यहाँ बहुत फेमस है। आप आओ खाने के लिए, बिल्कुल सदर जो ये राजमहल होटल है न्यू कॉलोनी मोड़ पे, बिल्कुल उसके सामने भैया लगाते हैं। तो भैया चलो बना के दिखाओ हमारे को। तो गाइस आप देख सकते हो, ओ भाई साहब इतना सारा, कौन सा बटर यूज़ करते हो भैया? अमूल बटर। तो भैया अमूल बटर यूज़ करते हैं गाइस, आप देख सकते हो इतना सारा, इतनी क्वांटिटी, मज़े आते हैं। वैसे आपको पता है गाइस, अमूल बटर खा के, अमूल बटर सबसे बेस्ट होता है जो भैया यूज़ कर रहे हैं। ओके, ओ भाई साहब, क्या क्या मिलाते हो भैया वैसे आप इस ऑमलेट के अंदर? ऑमलेट में हरी मिर्च, स्वीट कॉर्न, धनिया और प्याज है। इतनी सारी क्वांटिटी में, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिलता है 60 रुपये में बस। प्लीज़ ज़रूर आना भैया यहाँ खाना। बढ़िया लग रहा है हमारे को दूर से, खाने में क्या स्वाद होगा मैं तो आपको बाद में ही बताऊंगा, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया। तो भैया ये क्या है? पीनट बटर और तंदूरी मेयोनीज। तो पीनट बटर और तंदूरी मेयोनीज का मिक्सर है ये जो भैया लगा रहे हैं, जो सभी लोगों को पसंद होता है वैसे। और ये ऊपर से क्रीम, क्रीम, अच्छा ये क्रीम है ऊपर से, ऊपर से मसाला सब कुछ है, बिल्कुल एकदम हाई लेवल डिश बनाने में तुले हुए हैं भैया, बिल्कुल हाई लेवल डिश। तो गाइस हमारा ऑमलेट बनके बिल्कुल तैयार है। तो गाइस अब भैया बना रहे हैं सैंडविच, हमारा सैंडविच बना रहे हैं जो कि इंडिया बहुत फेमस है। चलिए देखते हैं कि इनका सैंडविच कैसे बनता है। तो ये प्याज आपने डाली भैया? हाँ जी। अच्छा, तो सैंडविच कैसे बनाते हैं भैया आप? भुजी बना के ब्रेड टॉच करके उसके बाद भुजी बीच में डालते हैं। अच्छा, तो मतलब भुजी का इस्तेमाल होता है इसमें, और उसको ब्रेड के अंदर पसा के फिर उसे खाने की तैयारी की जाती है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, ये जो ये इवेंट है ना, ये जो देखने को मिल रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। खाना तो बस हम बता ही नहीं सकते क्योंकि क्या ही होगा।
डेवलप किया जाए या बस एकदम देसी बन के ही रहना है? लोगों को वही पसंद है क्योंकि है ना, देसी बन के रहना है। पता है कि भाई जितना लोगों से जुड़े रहोगे ना उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है। तो गाइस हमारी भुजी तैयार हो गई है, हमारी भुजी एक नंबर का, जिसका जो टेक्स्चर है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। अब बारी आती है हमारी, किसकी बारी आती है? ब्रेड की हमारी। कूट कूट के गाइस अमूल बटर भरा हुआ है, कूट कूट के अमूल बटर, देख सकते हो गाइस कितना ही अमूल बटर, जैसे कि पूरी दुकान लगा दी अमूल बटर की। सैंडविच बनने को तैयार हो रहा है, बिल्कुल एकदम रेडी है। और ये हम भुजी दे रहे हैं और ये भुजी को उसके ऊपर एकदम सजा रहे हैं ताकि आराम से खा सके। एकदम मसाला वसाला से भैया भुजी को तैयार करके ये हमारा सैंडविच बन गया है। देखो, लुक एट इट गाइस, कितना बढ़िया लग रहा है, एक नंबर एक नंबर। तो चलिए गाइस अब हम मिलने जा रहे हैं एक कस्टमर से जो भैया के यहाँ रेगुलर आते हैं। तो कैसे हो भैया? बढ़िया जी, आप सुनाइए। अब बस हम तो बढ़िया, आप अपना नाम बताइए। राहुल राजपूत। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से ही हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। तो आपको भैया के जो ये ऑमलेट का स्वाद कैसा लगा? स्वाद बहुत टेस्टी था। अच्छा, और कितने टाइम से आप यहाँ आ रहे हो? मेरे को 7 साल के अराउंड हो गए आते हुए। यहाँ पर आपको 7 साल के अराउंड हो गए हैं, तो आपको तो भरा, आप तो भैया के ऑमलेट से रख रख के बात होंगे, ये तो मतलब ये भी जानते होंगे कि भैया कौन सा नमक डालते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वाद कैसा लगा? स्वाद बहुत टेस्टी, आज तक वही स्वाद चला आ रहा है इनका। अच्छा, जो स्टार्टिंग से मैं खाता आ रहा हूँ। और आप मानोगे बिल्कुल रीजनेबल रेट, क्या रेट है, क्या रेट देते हैं? 60 रुपीज़ रेट इनका। अच्छा, एक प्लेट का। ओके, तो 60 रुपीज़ एक प्लेट का। और आप मानोगे इतना डिलीशियस स्वाद है ना, आप भैया से खुद पूछ सकते हो। तो गाइस हमारा सैंडविच और हमारा भाई ऑमलेट बन के हो गया है तैयार। तो भाई मुझे तो पड़ी है खाने की चुल, मैं जाता हूँ खाने। आप जाके काम करो, हमारे चैनल चौहान फूडीज़ को सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको भी पसंद हो इनमें से कोई चीज़ तो राजमहल के सामने न्यू कॉलोनी मोड़ पर भैया के यहाँ पर आके खा लेना, सबसे बेस्ट रीज़नेबल रेट 60 रुपये में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कहीं। तो हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें चौहान फूडीज़। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, वेयर मास्क, टाटा। तो ओ भाई साहब क्या ही फीलिंग भरी हुई है, देखो गाइस इतनी सारी फीलिंग आपको कहाँ मिलने वाली है इतने रीजनेबल कॉस्ट में। और इसका स्वाद है ना जो क्या ही बताऊँ, झक्कास। और यहाँ पर आओ गाइस, OMG, देखो गाइस इतनी तो किसी दुकान में नहीं होती म्यूनिस और क्रीम जितनी भैया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी 60 रुपीज़ में और वो भी इस रेट के साथ। तो प्लीज़ आके भैया के यहाँ पर खाना ना भूलें, राजमहल के सामने, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, न्यू कॉलोनी मोड़ पे। अब तक हम खाते हैं, अब वीडियो देखो। यस गाइस, एक नंबर बोलते बहुत ऑसम है गाइस, मस्ट ईट है, ज़रूर खाना। ओके okay?